हेलो नो हेलो। और जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि मेरे पास खाने का कुछ नहीं बचा है अब। यार प्यास लगी बहुत गंदे वाली, आगे वाली बस्ती का भी नहीं पता कब आएगी। हाँ मस्त वाला फंसा हूँ मैं बिल्कुल। नहीं तो ये बोलते तू अकेला यहाँ पे क्या कर रहा है, मेरे घर पे चलो कंचनपुर। हे ब्रदर प्लीज। अंधेरी आता है हमारा, हम समझा नहीं क्या समझा नहीं है के लिए भाई साहब पिलाने पे तुले हमको। मानसून में यहाँ पे कितना बारिश होता है देख लो, इनका जो टिन की छत है ये भी लीक होने लगती है, तो इसके ऊपर तिरपाल लगाया इन लोगों ने। अभी हूँ मैं त्रिपुरा और मिजोरम बॉर्डर के, मिजोरम वाले साइड के पहले गांव के अंदर या पहला सिटी जो भी है। तो रात को पहुँचे थे यहाँ को लगभग 8:30 बजे, फिर पहुँच के यहाँ पे पुलिस स्टेशन में ILP बनवाया, क्योंकि मिजोरम आने के लिए आपको एक इनर लाइन परमिट बनवाना पड़ता है। और उसके बाद हम टेंट लगाने की तैयारी कर रहे थे, तो जो स्टेशन के ओसी साहब हैं उन्होंने अपने को रहने के लिए ये वाला गेस्ट हाउस दे दिया था। ये था अपना रूम और अपना सामान कुछ ऐसे बिखरा पड़ा है। तो अभी का प्लान ये है कि हम बाइक के ऊपर जाने वाला प्लान जो है वो कैंसिल कर रहे हैं और स्टार्ट करेंगे हिचहाइकिंग। भाई भी हिचहाइकिंग करेगा अपने साथ में, क्योंकि बाइक के ऊपर यार एक तो परेशानी इतनी है और अच्छे से चीज़ें एक्सप्लोर भी नहीं कर पाते बाइक के ऊपर, डायरेक्टली सीधे से निकल जाते हैं। तो अभी बाइक छोड़ने जा रहे हैं वापस त्रिपुरा के अंदर, भाई का मामा का लड़का रहता है वहाँ पे पास में 40 किलोमीटर। तो कपड़े जो हैं वो गीले पड़े हैं अपने रात वाले सारे, तो बाहर भी बारिश ही चल रहा है अभी। तो मैं नहीं चाहता कि मेघालय वाला हाल वापस हो, सारे कपड़े गीले हो जाएं, तो ये वाले गीले कपड़े पहन लेते हैं जब तक बारिश चलेगा, क्योंकि सूखे वाले भिगाने से कोई फायदा नहीं है। भाई ये रोड इतना फिसलना है, रात को इतना गंदे से गिरा मैं। सर ये टोस्ट लिया था रात को हमने, थैंक यू सो मच। यहाँ पे खड़ा किया था अपना बाइक, अब इसको वापस लाते हैं गधे के जैसे। तो अभी निकलते हैं वापस मिजोरम से त्रिपुरा की तरफ, और ब्रेकफास्ट भी करना है यार त्रिपुरा के अंदर जाके करेंगे, थोड़ा 5-10 किलोमीटर चलने की बात कर लेंगे मेरे हिसाब से, फिर ज़्यादा रास्ता नहीं बचेगा आगे का, 20-30 किलोमीटर और बचेगा, 2 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए अगर मौसम साफ रहा तो। I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. अभी 10 किलोमीटर ही चले थे और अपने बाइक का हाल देखो क्या हो गया है। लेकिन इस बार मैंने रोकी नहीं है, 2 किलोमीटर पे ही हो गया था, चलने देते हैं गिरेगी तो देख लेंगे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कुछ ट्राइबल मार्केट के अंदर। ये क्या होता है दादा, व्हाट इज दिस, 50 रुपीस, क्या चीज क्या होता है ये, क्या बोलूं, ये तो बम्बू है ना, बम्बू बांस होता, इसे क्या खाने सब्जी बनता, सब्जी बनता है। और ये वाला क्वाई इधर भी मिलता है, ये क्वाई, आप क्वाई बोलते हो मेघालय में भी, क्वाई बोलते हैं। पाइनएप्पल मिलेगा मेरे को एक, कितने का, 60 काट के देगा, देता। हेलो ऐसे ऐसे आप लोग कौन सा ट्राइबल होता, रियांग, रियांग। और इस तरफ बैठे हैं भाई गांव के मंडीर लौंडे लपाटे। अरे गाना बंद करने का, कॉपीराइट आ जाएगा मेरे। नहीं, हाँ हाँ क्यों नहीं आएगा, आएगा। आप चलाते हो यूट्यूब, बुक से बाजार रोना है। आप लोग क्या करते हो, स्कूल वगैरह जाते हो या काम धंधा करते हो, जाते हो, कहाँ से हो, हम राजस्थान से। और यहाँ पे त्रिपुरा में मोस्टली बसेस वगैरह कम चलती है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऐसी जीप या फिर लोकल जो गाड़ियाँ होती हैं वो यूज़ करते हैं लोग। हेलो सर, अच्छा है। अब ये लोग यहाँ पे रुक गए मार्केट में, बैम्बू वगैरह कुछ खरीदेंगे, फिर इनसे सब्जी बनती है बैम्बू का यहाँ पे यार। और त्रिपुरा के अंदर ऐसे रास्ते में रोड के किनारे ऐसे छोटे छोटे स्टॉल लगे मिल जाते हैं आपको, जहाँ पे लोग लोकल सब्जियाँ वगैरह बेचते हैं। इन लोगों को कुछ और तो धंधा बिजनेस वगैरह चलता नहीं, जंगल से सब कुछ तोड़ के लाते हैं यहाँ पे, फिर जो ऐसे लोग होते हैं हमारे जैसे लोग होते हैं इनसे खरीदते हैं, फिर इनका काम चलता रहता है। सही बोला मैंने। और घर भी ये लोग पूरे बैम्बू से बना के रखते हैं। हेलो, हम आपका घर घूम सकता, कोई बात नहीं, देख सकता, निमता मतलब देख सकता। मुझे नहीं पता क्या बोला, जाता कोई बात नहीं, हम ओके जाओ देखता। हेलो हेलो नो हेलो हेलो। अच्छा हाथ गंदा होता पहले, अच्छा टीवी भी देखते आप लोग,
देवदास देख रहे हैं भाई ये लोग। देवदास किसका फिल्म है? हिंदी समझते हैं तुम लोग? एंजॉय यार, जब लोग इंटरेक्ट नहीं करते ना तो मतलब इतना वीडियो वगैरह बनाने में इतना मजा नहीं आता। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा भी था ये लोग अपना भाषा भी नहीं समझते। जो भी हो, अपना बैकपैक वापस रेड किया और अब समझ में आया ये बार बार ऐसे वैसे क्यों निकल रहा था। क्योंकि जो हमने रेन कवर डाला था वो नायलॉन का था, जिसकी वजह से ये फिसल के साइड में हो जा रहा था। लेकिन अब हमने रेन कवर निकाल दिया क्योंकि बारिश बंद हो गई। और अब निकलते हैं यार यहाँ से, धर्मनगर 20-25 किलोमीटर और बचा है। और आगे वाला स्टॉप जो है वो सीधा धर्मनगर में लेंगे इस बार। भाई यार, भगवान किस चीज़ का परीक्षा ले रहा है पता नहीं। सुबह से बारिश बंद था लेकिन जब भी रेन कवर हटाया फिर से बारिश आने लग गया। भाई यार, मानसून के अंदर बहुत हार्ड है नॉर्थ ईस्ट के अंदर ट्रैवल करना। और यहाँ पे पीछे की तरफ आप लोगों को दिख रहा होगा, और को एक बार जूम करता हूँ मैं, वो सामने की तरफ इन लोगों को खेती करने का एरिया बना हुआ है। और ये जो पेड़ दिख रहे हैं कैमरे में तो साफ नहीं दिख रहा, लेकिन मेरे को दिख रहा है ये काफ़ी पेड़ जलाए हुए हैं इन लोगों ने। तो यहाँ पे करते हैं ये लोग अपना झूम खेती, जिसके अंदर पुराने टाइम्स में हम पढ़ते थे ना, जंगल जला के जिससे वो राख वगैरह बसता था उससे ज़मीन उपजाऊ होता था और उससे फिर खेती चलता था इन लोगों का। और यहाँ पे चावल तो नहीं उगता, चावल के लिए तो वो एक प्लेन एरिया चाहिए, पानी होना चाहिए उसके अंदर। यहाँ पे ये लोग सब्जियाँ वगैरह उगाते हैं अपना। तो बारिश उग गया, अब निकल रहे हैं भाई फाइनली एक घंटे के बाद में। और सभी हम लोग को देख के हंस रहे हैं ये हालत में। ठीक है, बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो अभी हैं हम धर्मनगर। धर्मनगर आपने पिछले वाली वीडियो में देखा था कि हम आए थे सुदीप का बाइक ड्रॉप करने के लिए, और बाइक जो है वो हमने यहाँ पे छोड़ दिया सुदीप के मामा के घर पे। और अब हम निकलेंगे यहाँ से वापस मिजोरम की तरफ हिच हाइकिंग से। नमस्कार दादा। मामा का घर काफी अच्छा है, पेड़ पौधों से पूरा भर रखा है, लदा रखा है। ये नारियल होता दादा? हाँ। ये रेडी है या नहीं अभी? रेडी ना खाने के लिए अभी तो रेडी नहीं हो। आपका मकान कहाँ? राजस्थान। राजस्थान से इधर आया? हाँ हाँ। इसलिए ट्रैवल ऑल इंडिया? अच्छा अच्छा। टूरिस्ट? फिर से बारिश शुरू हो गया यार। कल भी हम जब आए थे तो बाइक के ऊपर बारिश के अंदर ही आए थे, उससे बैग वैग सब कुछ भीग गया था। लेकिन मानसून के अंदर नॉर्थ ईस्ट भैया, तोबा तोबा, नहीं हो सकता भाई। हिचहाइकिंग भी नहीं हो सकता, आपको रोड के ऊपर चलना पड़ता है। बैग पैक गीला हो जाता है, आपके कपड़ा गीला हो जाता है, स्लीपिंग बैग गीला हो जाता है, रात को टेंट लगाने के लिए जगह नहीं मिलता, रात को गीला वाला टेंट लगाने पड़ता है, फिर गीला स्लीपिंग बैग और के सोना पड़ता है। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो बदबू मारता है ना भाई, ये देखो पूरा गीला पड़ा, बिल्कुल चोर है ये। मैं सोचता हूँ कि इसका भी कोई शॉर्टकट निकालते हैं, मानसून के अंदर नॉर्थ ईस्ट को स्किप करते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। साउथ इंडिया में भी निकलते हैं तो मानसून तो अभी होगा वहाँ पे भी, लेकिन कम होगा, इतना नहीं होगा। यहाँ पे तो यार डेली 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 10-12 घंटे बारिश होता रहता है। टाइम हो रहा है अभी दोपहर का 2, और अपने गीले बैग उठा के बारिश बंद होने के बाद अब निकले हैं हम मिजोरम के लिए। और मिजोरम जाने के यहाँ से 2 रास्ते हैं, कौन से कौन सा? दामचारा और जम्पुई होके। तो दामचारा वाला रास्ता हम कर रहे हैं ड्रॉप, क्योंकि उसके ऊपर से मतलब ट्रक वगैरह बहुत कम चलते हैं, मोस्टली चलते हैं प्राइवेट टैक्सी वगैरह, तो वहाँ पे लिफ्ट मिलने का चांस बहुत कम होगा। तो हम सोच रहे हैं कंचनपुर होके निकल जाएं, और कंचनपुर होके निकलेंगे तो आगे एक और जगह आता है, क्या नाम बताया उसका? जम्पुई। जम्पुई, जम्पुई क्या बोलते हैं, आपके त्रिपुरा का हाईएस्ट पीक है और एक टूरिस्ट प्लेस भी अच्छे वाला। तो वो मैं जब त्रिपुरा में था तो मेरे को किसी ने बताया नहीं, बाद में आने के बाद सुदीप भाई ने बताया। हेलो हेलो, क्या हुआ है दादा यहाँ पे? क्या हुआ है यहाँ पे? भांग गया। कहाँ से? अच्छा, बैंड हो रखा जो? हाँ हाँ। ओ भाई देख लो, ब्रिज भी बैंड हो गया, इतना बारिश हो रहा था पिछले 3-4 दिन से। हम जिस दिन आए थे ना बाइक से यहाँ से, तो यहाँ पे कट्टे रखे हुए थे, तो मैं सोचा रोड तो बिल्कुल नॉर्मल, कट्टे क्यों रखे हैं, बैंड हो रखा है, पूरा गिर भी सकता है ये साला। लेकिन ये पूरा रिपेयर नहीं करेंगे इसका, क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करके काम चला देंगे, फिर कोई बड़ा एक्सीडेंट होगा, धरने वरना बैठेंगे तब रिपेयरिंग चलेगा। त्रिपुरा में मार्केट देखो यार कैसे बना हुआ है, दुकानें सेम वैसे जैसे मालगुडी डेज के अंदर आता था ना, वो वाला वाइब्स आ रहा है यहाँ पे। तो ये वाला रास्ता जाता है अभी पानी सागर के लिए, हमें पकड़ना पड़ेगा ये वाला रूट, पानी सागर, पानी सागर से कंचनपुर और फिर कंचनपुर से जम्पुई। भाई का जो चैकिंग में पहला ही दिन है तो हवा निकलने लग गया, बोला बैग बहुत भारी है, यहाँ पे रुक जाता है, तो बैग हम चेंज कर रहे हैं, फिर देखते हैं कितना भारी है, फिर मैं बोलूँगा तब तक रुकने का नहीं होगा, ठीक है?
अरे आधा इसका ये देखते हैं अब मजा आने वाला है भाई। इजी भी बहुत है तेरे वाला, यहाँ से मेरे वाला ज्यादा चुभता है भाई 200 मीटर चले होंगे फिर से बैठ गया बंदा वाला, पानी पीऊंगा वो तो भाई हालत बहुत खराब होने वाला है। ये तो बिल्कुल क्या बोलते हैं, नॉर्मल से नॉर्मल दिन शुरू हुआ है हमारा अभी। दीदी एक आपके पास वो होगा रबर, रबर बालों में बांधने वाला, ब्लैक नहीं होगा? ब्लैक ऐसा लगाने पे लोग गलत शक करता है, नहीं नहीं करेगा बंगाल का लोग ऐसा नहीं, 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 नहीं। सागर ओके थैंक यू। पानी सागर जाएगा दादा? पानी सागर जाएगा? हाँ बैठो बैठो बैठो। एक मेरा दोस्त भी आ गया, उसको भी बिठा लेगा, डिगी खोल देगा, बैग डाल देता है। मैं यार मैं कितना परेशान करता हूँ जो लिफ्ट देता है मेरे को, लेकिन जो रोकता है वो परेशानी नहीं समझता, उसको अच्छा लगता है हेल्प करके। आपने मेरे को परसों कहाँ पे देखा था? I think कंचनपुर होगा। कंचनपुर? कंचनपुर के रोड निकलते हुए जो। ओके। तो आपने उस टाइम मेरे को लिफ्ट क्यों नहीं दिया? एक्चुअली उस टाइम पे हमारे वहाँ पे क्या है, ट्रिप बहुत ज्यादा होती है। अच्छा अच्छा। गाड़ी वाले को लिफ्ट मांगते बाद में हो, इसलिए हम धोई थे इसलिए। अच्छा अच्छा, गाड़ी लेके रफू चक्कर, पर हम सकल से भी साला ऐसा ही लगता है ना। और त्रिपुरा में मतलब ये हमारे जैसा वो समझने वाले कम है लोग ना, यहाँ नशा पता भी ज्यादा है ना, ये ब्राउन शुगर वगैरह चलता है इसीलिए। थैंक यू दादा। तो अभी भाई साहब के उतारने के बाद गाड़ी से जस्ट 2 मिनट बाद ही हमें लिफ्ट मिल गया। तो कंचनपुर तक तो नहीं जाएंगे भाई साहब हमें, कंचनपुर और जो पीछे वाला शहर कहाँ से उठाया था आपने हमें? पानी सागर। पानी सागर इसके बीच में स्टॉपेज पड़ता है, वहाँ तक छोड़ देंगे। आप भी बंगाली हो? हाँ बंगाली। कौन सा बंगाली? बंगाली तो कौन सा बंगाली, टाइटल क्या लगाता है? दास देवनाथ लगाता है। देवनाथ? और बंगाली के अंदर भी ऐसे होता है क्या, अपर कास्ट लोअर कास्ट है? बहुत है ऐसा। तो बंगाली में हम लोग का कास्ट ही सबसे बड़ा जाना जाता है। कौन से वाला? हम लोग का देवनाथ। और सबसे मतलब छोटे में क्या आता है? छोटे में तो हमको पता नहीं है, जानकारी नहीं है। छोटा दूसरे की बुराई कोई निकलना चाहता, लेकिन अपनी अच्छाई सभी कर देते हैं। I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. अभी भैया को हमने बताया कि हम explore कर रहे हैं आपका त्रिपुरा, मतलब लोग कैसे हैं यहाँ का, local खाना पीना कैसे, ये सब कुछ। तो भैया बोले यहाँ का एक local दारू है, वो जरूर taste करना। क्या नाम बताया उसका? लुंगी। लांगी। लांगी। ये भी किससे बनता है? चावल से बनता है। चावल से? ये मैंने ट्राई तो मेघालय में भी किया था, लेकिन ये दोनों में डिफरेंस मिलेगा? बहुत साफ मिलेगा। अभी आप एक बार पीके देखिए। कहाँ मिलेगा? मिलेगा इधर दुकान में मिल जाएगा। अभी पीना है? नहीं अभी नहीं, कभी फ्री होंगे तब ट्राई करेंगे। अच्छा। अभी पिएंगे तो हम मंजिल तक नहीं पहुँचेंगे ना? ना उतना क्यों पीना है? उतना भी नहीं, टेस्ट के लिए पियो भाई साहब पिलाने पे तुले हैं हमको बाकी पता नहीं, मैं दारू कभी पीता नहीं ना, तो कितना चढ़ेगा कितना नहीं चढ़ेगा ना, कभी फ्री होगा तब पिएगा दादा आराम से अपने टेंट के अंदर जाके। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। और आपका वो पी के देखेंगे, क्या नाम बताया था? लांगी। 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 तो अपने जो दादा थे उन्होंने ड्रॉप कर दिया अपने को इस बाईपास के ऊपर, कंचनपुर के लिए जो रोड है वो ये वाला निकलेगा। दादा कंचनपुर कितना दूर होगा? 35 किलोमीटर। 35 और बचा है? आर यू श्योर? भाई मजाक वो कर रहा है क्या वो लौंडा? 35 बचा है? नहीं यार 46 तो वहाँ से दिखा रहा था, सुबह से चला था वहाँ से। और यहाँ का मार्केट भी सेम मालगुडी डेज के जैसा ही। हेलो दादा, क्या है? नहीं हमारा सामान है। तुम लोग ट्राइबल होता? कौन सा ट्राइबल? चकमा। चकमा? इधर इधर सब चकमा है। ये पूरा गांव चकमा का लगा ना, ट्राइबल विलेज। इस गांव का क्या नाम होता था? शांतिपुर। शांतिपुर चकमा विलेज है। हेलो, क्या बात है? शांतिपुर क्या क्या है? क्या बिक्री कर रहा है? लांगी पिया क्या उन्होंने? नहीं तो या सुजान के लिए। हां सुजान के लिए। सुजान के लिए क्या होता है? सुजान के लिए आता है हमारा। हम समझा नहीं, क्या समझा नहीं है? सुजान के लिए आता है। एक आदमी मर गया ना। अच्छा अच्छा। उनको जला के जला कर
आता है। अच्छा 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 क्या क्या भी करो आप लोग का। वो लोग ऐसे कैसे बैठे हैं तो इसको खा लिया थोड़ा खा लिया कालिया मतलब पी लिया थोड़ा। अच्छा 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 पी लिया कालिया आप पी लिया को बोलता खा लिया खाए आता किसका खाना है ओके बहुत धन्यवाद थैंक यू भाई। लोकल वो क्या बोलते हैं इनका लांगी पी के बैठता था पीने वालों का हालत कितना मस्त होता ना कि तुम्हारे बैग में क्या है। अभी शीन क्या चल रहा है कि अपना जो को ट्रैवलर भाई था उसको तो मैंने एक स्कूटी के ऊपर लिफ्ट लेके बिठा दिया डायरेक्ट कंचनपुर तक निकल गया वो। लेकिन ये जो भाई साहब अपने को पीछे मिले थे ना ये अभी पीछे पीछे आ गए अपने तो ये बोलते तू अकेला यहाँ पे क्या कर रहा है मेरे घर पे चलो। लेकिन अभी नहीं मैं घर पे आपके आ जाएगा अगर मेरे को लिफ्ट नहीं मिला मैं इंतजार करता हूँ आधे घंटा मेरे को कोई गाड़ी मिल गया तो मैं कंचनपुर निकल जाऊँगा अगर नहीं मिला तो मैं आपका फोटो दिखा के आपके घर पे आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। आपका नाम रंजित रंजित ओके सकमा ओके सकमा ओके ओके मेरा घर में है उधर उस तरफ में होता ठीक है हम आ जाएगा ढूंढते ढूंढते हाँ मेरा घर जाना से कोई बात नहीं है नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम ओके ठीक है हम जाता थैंक यू हमें गिफ्ट देता एक गिफ्ट थैंक यू हाँ वर्मा भाई से दोस्ती हो गया था यहाँ पे खड़े खड़े और अपने को लिफ्ट मिल चुका है कंचनपुर के तो लिए नहीं लेकिन आधा रास्ता के लिए। यार 4 किलोमीटर हो गया चलते हुए कोई गाड़ी नहीं आ रहा ना कोई बाइक आ रहा और उधर भाई का फोन आया वो तो कंचनपुर भी पहुंच गया। साला दोस्त फेल हो जाता है तो दुख होता है लेकिन हम फेल हो जाए दोस्त पास हो जाता है तो ज़्यादा दुख होता है भाई। लेकिन अच्छा है उसका पहला दिन था बेचारे का ही चेकिंग में ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़े इजीली पहुँच गया वो। मेरा तो रोज़ का इससे भी मुश्किल मुश्किल दिन आते हैं चले जाते हैं। अभी हम हैं ये जंगल है और टुर टुर साइड मेंढकों की आवाज़ होगी। ये देखो यार एक और लैंडस्लाइड आ गया रास्ते में। यहाँ के पहाड़ दिखाता हूँ अब दिखाता हूँ मैं सही से देखेंगे बिल्कुल मिट्टी है मिट्टी पहाड़ तो है ही नहीं है। देखो कुछ थोड़ा सा बारिश हुआ धस के रोड के ऊपर आ जाता है। मॉनसून के अंदर नॉर्थ ईस्ट में ये सब कुछ मिलेगा आपको हर जगह लैंडस्लाइड कहीं पे बीच से टूट के रोड निकल जाएगा। सुबह देखा था ना वो ब्रिज ही साला बीच में से झूल गया था बहुत परेशानी होती है यार मॉनसून के अंदर नॉर्थ ईस्ट में। भाई मेरे को नहीं पता था त्रिपुरा के अंदर भी चाय लगती है। ये जो सामने जितने भी बागान देख रहे हो सब चाय का बागान है कन्फर्म बोल सकता हूँ मैं इतना पता चल गया मेरे को बंगाल और असम के अंदर देख देख के। त्रिपुरा के अंदर भी मेरे को नहीं पता था पहले चाय लगती है और मेघालय के अंदर भी नहीं लेकिन वेस्ट गारो हिल्स की तरफ मैं गया था तो वहाँ पे देखा था मैंने वो जो सोंगसारिक गांव था जहाँ पे मैंने राइस बियर पिया था वहाँ पे भी लोगों ने चाय लगा रखा था खेतों के अंदर। कमाल है यार सामने कोई बंदा खड़ा है चलो इस भयंकर जंगल में कोई आदमी तो दिखा। हेलो भाई साहब कैसे हो कंचनपुर के लिए कोई गाड़ी वाड़ी आता है या नहीं आता अब ये तो अच्छे से ना तो हाँ गाड़ी तो चलो ना चलो ना चलेगा मतलब नहीं चलेगा या नहीं चलेगा 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 चलेगा। बंगाली हो अभी बंगाली बांग्ला तुम बांग्ला हो ये बांग्ला हाँ हम बांग्ला ना हो बांग्ला थोड़ा थोड़ा आवे ठीक है। अच्छा कोई जाते हैं हाँ जयवन को कंचनपुर आइत्या 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 मतलब पैदल पैदल ना आइत्या पैदल ओके एंजॉय। यार शाम का टाइम अभी 5:30 हो चुका है और जो सनसेट है वो होने वाला है और कंचनपुर यहाँ से बचा है अभी 15 किलोमीटर। लेकिन जो इतनी भी थकान है वो साली ये वाला जो व्यू है ना ये देख के निकल जाता है माशाल्लाह। और कोई बाइक आ रही है मेरे को आवाज़ सुनाई दे रही है और कान इतने मतलब ख़तरनाक वाले हो गए ना 4 किलोमीटर पीछे से पता चल जाता है कोई व्हीकल आ रहा है। कंचनपुर कंचनपुर ए ब्रदर प्लीज कैसे कैसे लोग होते हैं यार। ए भाई कंचनपुर कितना दूर होगा कंचनपुर बहुत दूर है बहुत दूर कितना किलोमीटर होगा ये तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा पैदल पैदल हाथ पाँव पे चल हाँ हाँ 2-3 घंटा तो लग गया 2-3 घंटा। और कोई गाड़ी आता है या नहीं आता इस टाइम पे गाड़ी पाइप हो हाँ गाड़ी तो पावन जब हो आ सकता है हाँ। और सोलह मच्छर काटता है यार शर्ट के अंदर से भी काट लेता है हाँ।
थैंक यू। तुम क्या नाम होता तुम्हारा? मेरा नाम तो आलू है। आलू? थैंक यू आलू भैया। यार प्रॉब्लम ये है कि 2-3 घंटे लगेंगे, 12-13 किलोमीटर बचा होगा आप कंचनपुर यहाँ से, लेकिन 2-3 घंटे और नहीं चल सकता यार। आज पहले मैं 10-15 किलोमीटर चल चुका हूँ, और जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि मेरे पास खाने का कुछ नहीं बचा है। अब मैं सुबह सोच रहा था मिल्क पाउडर ले लूँ तो ओट्स बना लेता, क्योंकि चीनी रखा है मेरे पास, ओट्स रखा है, लेकिन साला मिल्क पाउडर भी नहीं लिया, अब पानी के साथ तो ओट्स नहीं बना सकता। बाकी देखते हैं, उम्मीद तो यही है कोई लिफ्ट मिल जाना चाहिए। एक खुदा यार प्यास लगी है बहुत गंदे वाली, आगे वाली बस्ती का भी नहीं पता कब आएगी कब नहीं आएगी। हाय 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 आज मस्त वाला फंसा हूँ मैं बिल्कुल। एडजस्ट हो पाएगा? हाँ एडजस्ट कर पाओगे? कहाँ? कंचनपुर कर। हाँ एक जॉन, एक जॉन होगा होगा। अभी कहाँ जाना है आपको? अभी हमें कंचनपुर।